हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। और आज एक फिर नया वीडियो के साथ आप लोग के सामने आ गई हूँ। तो आज का वीडियो में मैं आप लोग देख रहोगे कि एक पार्सल है जो मैं आप लोग को दिखा रही हूँ। तो ये एक कॉस्मेटिक बैग है और एकदम मतलब ज़्यादा बड़ा नहीं है, एकदम छोटा सा है। आप हल्का फुल्का प्रोडक्ट इसमें रख सकते हो। और ये ना मैं मेशो से मंगाई हूँ, तो मैंने सोचा इसका भी एक अनबॉक्सिंग कर देती हूँ। तो आप लोग देखिए, इसमें आप घर का सामान, छोटा मोटा पार्लर का सामान रख सकते हो। तो मुझे ये अच्छा लगा था, बहुत क्यूट सा था, छोटू सा था, तो मैंने सोचा मैं अपने पार्लर के लिए ये ऑर्डर दे देती हूँ, ताकि छोटा मोटा जैसे मेकअप ब्रश हो या कुछ भी छोटा मोटा अपना जो कॉस्मेटिक का हो, मेकअप का हो, ये मैं अपना पर्सनल अलग से रख सकती हूँ, है ना। लेकिन आप सोचोगे प्रोफेशनल अगर किसी को मेकअप करके करने के लिए जा रहे हो तो आप उसमें ये यूज़ नहीं कर सकते, क्योंकि इसमें एकदम ज़्यादा प्रोडक्ट नहीं आएगा, बहुत ही कम आप सामान रख सकते हो इसमें। ऐसे तो इसके अंदर जो है ना, चारों तरफ से छोटा छोटा मतलब प्रोडक्ट रखने के लिए जगह बनाया गया है। बट जब मैं इसमें सामान रख रही थी ना, अपना चीज मतलब रख के देख रही थी, जैसे मेकअप ब्रश हो, मेकअप किट हो, तो वो एकदम से बोलते ना एकदम खिचड़ी जैसा हो रहा था। इसीलिए ये ठीक है, घर में पार्लर में एक साइड में इसमें थोड़ा सा प्रोडक्ट रख के हम लोग साइड में रख सकते हैं, बस ये यूज़ कर सकते हैं। या फिर आप ट्रेवल कर रहे हो, कहीं बाहर जा रहे हो, तो छोटा मोटा हल्का फुल्का जो अपने मेकअप किट हम लोग साथ में लेके जाते हैं ना, वो आप जो कपड़े का बैग है ना, उसका अंदर कहीं एक छोटा सा स्पेस बना के इसमें आप अपना कॉस्मेटिक डाल के लेके जा सकते हो। ये इसके लिए बहुत अच्छा है। आप लोग देख सकते हो कि साइड में मैंने एक फ़ोटो रखा हुआ है, जिसमें पूरा एकदम जो बहुत अच्छे से दिखा रहा है कि कितने स्पेस है, आप लोग क्या क्या रख सकते हो, और जो सामान रखने के बाद कैसा लग सकता है। तो मैंने ये फ़ोटो भी एडिट करके साइड में रखा हुआ, ताकि आप लोग ये देख सकते हो। अगर आपको अच्छा लगे ये मतलब ये प्रोडक्ट, तो आप भी मंगा सकते हो। बट ये सोच के मत मंगाइएगा कि बहुत बड़ा है, हम लोग बहुत सारा सामान रख सकते हैं, ऐसा नहीं है। बस छोटे मोटे सामान आप रख सकते हो प्रोडक्ट। और बैग में जो चेन है ना, थोड़ा सा मुझे ऐसा लग रहा है क्वालिटी वाइज थोड़ा कम है, क्योंकि बहुत ज़्यादा थोड़ा अटक रहा था इसके लिए। तो चलिए ना, मैं अभी ना आपको एक एक सामान, थोड़ा छोटा मोटा जो भी अपना कॉस्मेटिक प्रोडक्ट है, वो मैं आप लोगों को इसमें रख के दिखाती हूँ, ताकि आप लोग एकदम बोलते ना देख के आप लोगों को समझ में आ जाएगा कि हाँ इतना सारा सामान इसमें आ सकता है कि नहीं। तो आप लोग देखिए, ऐसा तो बहुत मतलब स्पेस है, लेकिन जब आप सामान रखोगे, ब्यूटी प्रोडक्ट हो या जो भी आपका कॉस्मेटिक हो, तो वो रखने के बाद आपको लगेगा कि हाँ उस हिसाब से जो स्पेस है बहुत ज़्यादा छोटा है कि नहीं। तो आप लोग देखिए, मैं अभी इसमें जो प्रोडक्ट है वो रख के आप लोगों को दिखाती हूँ।
अभी आप लोग को देख के इतना पता चल गया होगा ना कि आप अगर ज़्यादा सामान रखोगे तो बैग का हाल क्या होगा, है कि नहीं, मतलब खिचड़ी जैसे हो जाएगा। आप अगर कहीं जा रहे हो किसी को मेकअप करने के लिए और इसमें सामान रख रहे हो तो आपको ढूंढने पड़ेगा कौन सा कहाँ क्या चीज़ रखा हुआ है। तो ये अपना प्रोफेशनल के लिए नहीं है, बस मैं इसलिए दिखाई थी, अगर आपका पर्सनल थोड़ा बहुत जो छोटा मोटा हम लोग का मेकअप किट होता है ना वो आप इसमें रख सकते हो ट्रेवल के लिए, पार्लर में, घर पे, कहीं भी। तो यहाँ तो मेरा कॉस्मेटिक पूरा पैक हो चुके है और मैं अभी जा रही हूँ घर पे, क्योंकि पार्लर बंद करने के लिए मेरा टाइम हो चुकी है। तो मैं चली। तो मेरा आज का वीडियो यहीं तक का था, मिलते हैं फिर से एक नए वीडियो के साथ। तब तक आप लोग ये वीडियो को देखिए, इंजॉय कीजिए और मेरा चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें। तो चलिए, बाय बाय, टेक केयर।